हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द एबी क्लासेस। दोस्तों, हम लोग की ये हमारी इस सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है, जिसमें हम लोग आपको एनसीईआरटी के क्लास 9th और 10th के सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारी क्लास 9th सोल्यूशन की तीसरी वीडियो है, एक्सरसाइज 1.3 की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं। और हमारे जो पहली दो वीडियो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, जिसको आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आपके जो भी डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसके हम लोग स्पेशली आपके उस डाउट्स की वीडियो क्रिएट करेंगे बनाएंगे, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो, आपके साथ साथ कई और लोगों का भी डाउट्स क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, कि इसको डेसिमल फॉर्म में बताना है। तो 36/100, ये तो क्लास 6-7 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे दो जीरो है, तो पीछे से टू प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे। पर इसमें हम लोग का क्लास 9th लाइक क्वेश्चन ये है कि काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन, ये किस तरीके का डेसिमल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे जब हम लोग टू प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे, तो ये फिक्स हो जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटेड, सॉरी माई मिस्टेक, इसको इसको टर्मिनेटेड डेसिमल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। 1/11, अब 11 को हम लोग डिवाइड करेंगे 1 में, तो 11 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, फिर एक 0 लगाएंगे, 0 आएगा, 9 टाइम ले जाएंगे, 99, फिर 1 आ गया, मतलब ये चीज़ वापस रिपीट होते जाएंगे। और तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0.01 नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 0.01 ये बार लगाएं, इस बार का मतलब होता है दोस्तों कि ये नंबर रिपीटेड होता है इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीटेड होगा। फिर यहाँ आप देखिए, 4 होल नंबर 1/8, इसको हम लोग 33/8 लिखेंगे। और इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 4.125 आएगा, जो कि टर्मिनेटेड होगा। ठीक है, 8 4 32, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 8 1 8 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, 8 2 16, और फिर 4 आएगा, 8 5 40, 8 5 40, जो कि टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 3/30। ठीक, इसको जब डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आएगा 0.230769, और ये चीज़ रिपीट करना शुरू कर देगा, जिससे ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 2/11, इसको हम लोग 0.18 के बार लिख सकते हैं, 0.18 बार नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और लास्ट 329/400, इसको करेंगे, तो ये 0.8225 होगा, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आ रही है बार बार, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। हमको कैसे पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? ठीक, तो RS अग्रवाल में इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग, अगर डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करने पे हमको 2 और 5 मिले, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर रहेगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 100 था, इसमें 2 और 5 से मिल के नंबर बना है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। ये 11 है, ये 2 और 5 से नहीं बना है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे 8 है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये 2 से बना है। 13 2 से नहीं बना है, ये 11 भी 2 से नहीं बना है, 2 और 5 से। 400 भी 2 और 5 से मिल के बना है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यू नो दैट 1/7 = 0.142857 bar। ठीक है, 1/7 की वैल्यू दे दिया है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7? तो कह रहा है कि बिना डिवाइड किए क्या हम लोग बता सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू, वो भी विदाउट डिवाइड किए हुए। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आपको थिंक करना है। ठीक, 1/7 की वैल्यू हमको पता है, जो कि है 0.142857। ठीक है, तो हमको 2/7 की वैल्यू बतानी है। 2/7 को कैसे लिख सकते हैं?
टू बाई सेवन को हम लोग लिख सकते हैं टू इंटू वन बाई सेवन। तो वन बाई सेवन में अगर हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू बाई सेवन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक, टू में वन बाई सेवन मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया 0.285714। इसी तरह थ्री बाई सेवन का, थ्री में वन बाई सेवन का मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल गया 0.428571 मिल गया। इसी तरह फोर बाई सेवन का देखेंगे, फोर में वन बाई सेवन मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.571428 आ जाएगा। इसी तरह फाइव में सेवन वन बाई सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 714285 आ जाएगा। और इसी तरह सिक्स में जब वन बाई सेवन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 857141। ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, करा इसको पी बाई क्यू की में रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने नंबर हमको दिखाना है, 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, पहले ये देखेंगे ये जो बार है कितने नंबर के ऊपर है, एक नंबर के ऊपर है। और बार का मतलब होता है ये नंबर रिपीटेड होता है इनफाइनाइट टाइम तक। तो हम लोग इसको x सपोज कर लेते हैं, x इक्वल टू 0.66666, इसको इक्वेशन वन ले लेते हैं। फिर जितने नंबर के ऊपर बार होता है उतने 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक नंबर को बार था तो एक 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो सिक्स है ये एक कदम आगे आ गया। ठीक, तो ये 10x हो गया, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया। ये 10 से जो मल्टीप्लाई करेंगे पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक इधर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.66666 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इसको इक्वेशन टू बना लेंगे। इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सॉल्व कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो 10 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और 6.66 में से 0.66 माइनस होगा तो क्या आएगा, 666 कट जाएगा, हमको सिर्फ मिलेगा 6। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2/6/9, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरीके क्वेश्चन दिया हुआ था कि 0.47 बार, फिर हम लोग x को क्या लेते हैं 0.474747, क्योंकि ये दो नंबर पर बार था तो दो नंबर रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे बार कितने लोग पे है, दो लोग पे है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 210 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 में x का मल्टीप्लाई किया तो 100x आया। और यहाँ पे करेंगे तो 47.4747 आएगा। फिर यहाँ पे इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस करेंगे तो 100 में से वन माइनस करेंगे तो 99 आएगा। और यहाँ माइनस करेंगे 4.777 को तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 47 बचेगा। और x के लिए क्या होगी, 47/99, और ये नहीं कटेगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, 0.001 को बार है, ये कितने नंबर बार है, तीन नंबर बार है। ठीक है, तो ये तीन लोगों का रिपीटेड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन नंबर था तो 310 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा कि ये जो x है ये 1000x हो जाएगा। और यहाँ पे तीन नंबर आगे आ जाएंगे तो 0.001001 हो जाएगा। फिर इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस करेंगे तो 1000 में से वन को माइनस करने क्या आएगा, 999 आएगा। और यहाँ पे 0.001 यानी वन होता है, वन में से इतने को माइनस करेंगे तो ये पोर्शन तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वन। और ये चीज नीचे आ जाएगा, 1/999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। एक्सप्रेस 0.999 इन द पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये 99 था ये, तो हम लोग क्या करें, ये एक नंबर का रिपीटेशन है तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर में 10 से करते हैं, ये 10x इक्वल टू 9.9999 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को माइनस करेंगे तो हमारे को आएगा 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। और ये 0.99 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 9/9 क्या हो जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी बी इन रिपीटिंग ब्लॉक और डिजिट इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17। 1/17 को जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर बाद वो रिपीट करना शुरू करेगा। ठीक है दोस्तों,
तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं। पहले 17 17 बाई 1 लिखेंगे, 17 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 आएगा, और दूसरा 0 लगाएंगे तो 1 0 और आएगा, तो 17 5 ज़ा 85। ठीक, सेपरेट करेंगे तो 15 आएगा, फिर पॉइंट से 1 0 आया, 17 8 ज़ा 136। फिर यहाँ से सेपरेट करेंगे तो 14 आएगा, फिर पॉइंट है 1 0 आया, फिर 17 8 ज़ा 136। ठीक, तो यहाँ पे फिर सेपरेट करेंगे तो 4 आएगा, पॉइंट से 1 0 आया। ठीक, 72 ज़ा 34। फिर यहाँ पे सेपरेट किए तो 60 आया। ठीक, फिर पॉइंट है तो 1 0 आया, 17 3 ज़ा 51 हुआ। फिर यहाँ पे सेपरेट किए, 9 आया, फिर पॉइंट से 0 लिए और 17 5 ज़ा 85 हुआ। फिर सेपरेट किए तो 5 आया, फिर पॉइंट से 0 आया, 17 2 ज़ा 34 आ गया। ठीक है, फिर सेपरेट किए, 16 आया, फिर पॉइंट से 0 लिए, 17 9 ज़ा 153 हुआ। ठीक, फिर यहाँ से सेपरेट किए तो 7 आया, फिर पॉइंट से 0 लिए, 17 4 ज़ा 68 होगा। फिर सेपरेट किए तो 2 आया, फिर पॉइंट से 0 लिए, 17 1 ज़ा 17 आया। फिर यहाँ से 3 लिए, सेपरेट करने पर 3 आया, पॉइंट से 0 लिए, 17 1 ज़ा 17 हुआ। ठीक, फिर यहाँ 13 आया, फिर पॉइंट से 0 लिए, 17 7 ज़ा लिए, 119। ठीक, सेपरेट किए, 11 आया, पॉइंट से 0 लिए, फिर आगे किए तो 17 6 ज़ा 102 आया। ठीक, सेपरेट किए, 8 आया, फिर पॉइंट से 0 लिए, फिर यहाँ पे 17 4 ज़ा 68 हुआ। फिर सेपरेट किए तो 12 आया, पॉइंट से 0 लिए, 17 7 ज़ा 119 लिए, फिर लास्ट में आ गया 1। फिर पॉइंट से पॉइंट ये 1 हमारा रिपीट करना शुरू कर दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1/17 = 0.058823529411 7647, ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन बोला था, यहाँ पे हमने शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा है, लुक एट द सेवरल क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको दो ऐसे पी बाई क्यू लेने हैं, दो ऐसे पी बाई क्यू लेने हैं, और यहाँ पे पी बाई क्यू जो होंगे वो डिफरेंट नंबर होंगे जिसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्यू का एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या है, ये 4 है, 4 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 आएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे 10 है, 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 और 5 आएगा। इससे हम लोग बता सकते हैं कि क्यू क्यू मस्ट बी सेटिस्फाई, क्यू के हम लोग वैल्यू से हम लोग सेटिस्फाई हैं, पी बाई क्यू में जो क्यू है डिनोमिनेटर है उसे सेटिस्फाई हैं। क्यों, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में हमको जो नंबर मिला है वो 2 मिला है और 5 मिला है, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। हमको इरेशनल नंबर के बारे में लिखना है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। तो हम लोग 3 कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 0.12345629567 8 कुछ भी लिख सकते हैं, क्या नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 0.32414297621132 कुछ भी लिख दीजिए, 0.89572979763 63 3251 ऐसे करके कुछ भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच के इरेशनल नंबर हमको लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, 5/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो हमको मिलेगा 0.7142। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसी तरह 9/11 को जब रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में तो 0.8131 मिलेगा। अब इनके बीच का नंबर लिखना है जो कि 7142 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग लिख देंगे 7143, और भी लंबा लिख देते हैं, 4276
7691817173 ऐसे करके नंबर लिख देंगे। इसी तरह यहाँ भी 7149637563122 ऐसे करके लिख दीजिए, 7216365191899817621 ऐसे करके कोई नंबर लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह के हम लोग नंबर लिख के इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। दोस्तों ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अक्सर एक नंबर में पूछा देखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर, ये नंबर है, ये कैसे नंबर है इसको दिखाना है, बताना है। तो रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमेशा इरेशनल नंबर होता है। रूट के अंदर दोस्तों ये स्टार पॉइंट बना के आप अपने नोटबुक में लिख लें, रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज अ इरेशनल नंबर। ये 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए ये रेशनल नंबर होंगे। यहाँ पे 0.3796 है, जिस इसके आगे अगर यहाँ डॉट डॉट लगा होता तो इसको हम लोग इरेशनल में लिखते हैं, पर ये इसके बाद ख़त्म हो जा रहा है इसलिए ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 7.478478, इसके आगे तो कुछ बताया नहीं, थी ये रेशनल नंबर होगा। फिर इसके बाद यहाँ देखिए 0.1.10100100140 1 डॉट 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 लिखा हुआ, तो ये इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है।